हमारी टीम एकादश, एकादश माने 11, मैं देख रहा हूँ 11 की टीम है। और यूं देखा जाए तो एक हमारे छायाकार हैं जो यूट्यूबर हैं शुभम पांडे, तो उनको लेकर के 12 लोग। यद्यपि मीटअप का कार्यक्रम प्रयागराज में कल के दिन आयोजित है, कल के दिन यानी 25 जनवरी को शनिवार को, आज शुक्रवार को हम लोग बैठे हुए हैं इस समय माघ मेला परिक्षेत्र में पुल नंबर 3 के पास। कुछ मित्र मिलने आ गए हैं, कुछ लोग मिल करके चले गए और कुछ लोग हैं। एक इच्छा हुई कि वार्ता किया जाए आपस में और सभी का परिचय हो, किस तरह से मन में हलचल हुई कि मिलना चाहिए। कुछ लोग पहले से परिचित हैं और कई लोग आज परिचित हुए हैं। तो सबसे पहले तो परिचय से शुरुआत करते हैं, उसके बाद ये लोग प्रश्न करेंगे। क्या क्या पूछेंगे मुझे नहीं पता, पलट करके मैं भी पूछ सकता हूँ। पूछने वाला एंकर और पढ़ाने वाला अध्यापक तभी तक बहादुर है जब तक सामने वाला पलट करके उसे पूछ नहीं रहा है। अगर छात्र पूछना शुरू करें कि सर जी थोड़ा यह बताइए सर जी, तो तब पता लगेगा कि सर जी कितना पढ़ करके आए हैं रात को। अब सर जी ने 40 मिनट का लेक्चर दिया, समझ में आ गया जी सर, और कुछ पूछना है नहीं सर, तब तो ठीक है, सर जी बहादुर हैं। तो सबसे पहले परिचय, उसके बाद संवाद, चलिए शुरुआत हो। अंकित अवस्थी निवासी बहराइच, यहाँ पे राजापुर इलाहाबाद में रहते हैं। अंकित अवस्थी हैं, बहराइच के रहने वाले हैं और यहाँ रह करके किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? इंडियन नेवी। अच्छा, अब भारतीय नौसेना यही बोलेंगे ना, इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हैं। नरेंद्र यादव आजमगढ़ के हैं। और पढ़ाई में क्या चल रहा है? CGL, SSC. हमारी माँ दिवंगत हो गई थी, हमने सर मुड़वाया था, आपने क्यों मुड़वाया? बड़ी मम्मी। चलिए, हिंदू धर्म में है कि सर मुड़वाते हैं, इनकी बड़ी मम्मी चली गई थी। बताइए भैया। सर मेरा नाम दयाशंकर यादव है। दयाशंकर यादव हैं, यही पढ़ाई आप भी करते हैं मूल रूप से, आप रहने वाले अम्बेडकर नगर के। दयाशंकर पढ़ाई में क्या चल रहा है? SSC CGL की। सर अजीत कुमार यादव गाजीपुर से हैं, हमारे पुराने परिचित हैं और हमारे अनन्य हैं। आशीष कुमार यादव भदोही। भदोही से हैं आशीष। पढ़ाई में क्या चल रहा है? अच्छा, चलिए बताइए। अंकित कुमार वाजपेयी, बहराइच का रहने वाला हूँ और यहाँ प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई में क्या चल रहा है? SSC की तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, अंकित ने थोड़ा तेज बोला है तो इसका यह जाननी है कि हमें थोड़ा तेज बोलना है और तेज बोलना भी है। चलिए, SSC की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। आप जो तेज बोल ही रहे, तो मेरा नाम तेज बहादुर यादव है। जय हो, जय हो, जय हो। तेज बहादुर के नाम पर एक ताली। हाँ, तेज बहादुर जी जौनपुर से हैं और यहाँ पर रहकर जो है कि वही सुपर बहादुर भी हैं और तेज भी हैं। तब तो फिर सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं। तेज बहादुर हैं और बहादुर भी हैं, तेज भी हैं और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा। सुपर टेट की, सी टेट और टेट दोनों क्वालिफाई किया है आपने। बताइए। सर्वप्रथम मेरा साहब दुबे जी को सादर प्रणाम। और मैं मूल रूप से इलाहाबाद वहाँ बहराइच का रहने वाला हूँ, यहाँ पे रह करके मैं तैयारी करता हूँ डिफेंस की। मेरा नाम शिवेंद्र मौर्य है। मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि सर ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद छोड़ क्यों दी थी? अच्छा, चलिए, अब आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। दो परिचय और हैं। मैं आशुतोष यादव फ्रॉम आजमगढ़ से हूँ, SSC की तैयारी करता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं गोविंद आजमगढ़ से मैं भी हूँ और यहाँ अल्लाहपुर में रह के पहले मैं तैयारी करता था। इसके बाद बीच में मुझे कुछ ऑनलाइन जॉब मिल गई थी, UCBH मिला था, CERET मिला था। अभी मैंने YouTube पर अपना थोड़ा डाइवर्ट किया, उस पर मैंने काम करना शुरू किया है और उसका कहने के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बहरहाल धन्यवाद करना चाहेंगे सर का, जो सर ने आकर हमसे मिला और हमको अपने पास बैठने का मौका दिया। सौभाग्यशाली तो मैं हूँ कि इतने लोग मिलने आए हैं। शिवेंद्र ने प्रश्न किया है कि आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और आपने छोड़ दिया। देखिए, एक चीज़ तो यह है कि आप भिज्ञ होंगे कि हम कुछ पद इलेक्टेड थे, लड़ करके मैं वहाँ पहुँचा था, किंतु यह देखा कि भाई आप चुनावी वैतरणी पार करने का जो तरीका है, आप हाथी पर चढ़ जाइए, हाथी आपको पार लगा देगा। जैसे कि कुलदीप सिंह सेंगर और किनको पार लगाया, देश के अपराधी और ऐसे तत्वों को। हम केवल हाथी की ही बात नहीं करते, अगर आपको चुनावी वैतरणी पार करनी है तो आप साइकिल चला दीजिए, साइकिल भी आपको पहुंचा देगा, विधानसभा पहुंचा देगा, लोकसभा पहुंचा देगा।
जैसी स्थिति हो, यदि आपको चुनावी बैतरणी पार करनी हो, बैतरणी शब्द खराब है, अगर आपको सदन में पहुंचना है तो आपको कमल का फूल पकड़ करके, और जैसे जिस तरह से गजराज को पकड़ा था घड़ियाल ने और सूंड में ऐसे करके, वैसे ही आप त्राहिमाम अमित शाह का करिए तो आप पार करेंगे। अथवा फिर और छोटे मोटे जो दल हैं इसी तरह से, अब नहीं पटी भाई और किया क्या जाए। सच बात यही है, जिंदाबाद करना है। करना क्या है? जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश, अखिलेश भैया तेरे नाम मेरी जवानी है कुर्बान। कई लोग होंगे भी जुड़े भी होंगे, अब जैसे अजीत यादव हैं तो मान लिया जाएगा कि सपा से जुड़े होंगे। अजीत सपा से हैं नहीं, यद्यपि हम चुनाव लड़े थे तो हमारे साथ ये लोग थे, बड़ी मेहनत किया था इन लोगों ने। अब मोदी मोदी यही ना होता है कि और कुछ करना है बताओ ना। आप सभी पढ़े लिखे हो, रातों रात करोड़ों लोग चौकीदार हो गए, अब नौकरी की जरूरत नहीं रही। मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी सब चौकीदार हो गए। तो फिलहाल भाई वह रास्ता, मेरे पास पैसे हैं नहीं, हमारी पटेगी नहीं इन लोगों से, तो एक रास्ता यह भी परमात्मा ने पता नहीं कैसे दे दिया, शुरू हो गया तो उस पर भी मैं भ्रष्टाचार उन्मूलन की लड़ाई लड़ रहा हूँ। वैसे मैं आपकी वीडियो में देखा है कि आपके वहाँ के लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो लोग नहीं देंगे? वोट नहीं देंगे, पसंद करेंगे, कहेंगे ब्रजभूषण दुबे बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े लड़ाकू हैं और साहब बड़ा संघर्ष किया इन्होंने। वोट नहीं देंगे लोग, रिश्ते नाते के लोगों ने वोट नहीं दिया था। केजरीवाल की पार्टी ने मुझे टिकट दिया था लोकसभा में 2019 में, चुनाव में लड़ा भी था, लोगों ने खिलाया पिलाया, 150 रुपया लोग पॉकेट में भी डालते थे, इस गांव से उस गांव पहुंचाते भी थे, वोट नहीं दिया लोगों ने। और ऐसे लगता था, देखने वाले को लगेगा कि यार ये आदमी कितना बनाया है लोगों के बीच, किस तरह की पहचान, अच्छा अच्छा यही दुबे जी हैं, अरे प्रणाम, ऐसे करके ऐसे होता था। वोट नहीं देंगे लोग साइकिल से। देखिए अजीत हैं, 350-350 किलोमीटर हम लोग साइकिल चलाए थे। चलिए अगला प्रश्न। मुझे एक साल से बहुत उम्मीदें थी कि मैं कब दुबे जी से मिलूंगा, कब मिलूंगा, कब मिलूंगा, कम से कम वो घड़ी आ ही गई। कल मैं सौभाग्यशाली हूँ, शिवेंद्र और अन्य मित्रों से हमारी मुलाकात हो रही है। मैं कल लाइब्रेरी में था, मैंने सर का वीडियो देखा कि सर प्रयागराज में है, मैं लाइब्रेरी छोड़ के तुरंत पहले रूम पे गया कि सो लूँ, मुझे कल सुबह जाना है मिलने के लिए, और मैं सोने के लिए आया पर मैं सारी रात सो नहीं पाया कि कितनी जल्दी सुबह और कितनी जल्दी मैं सर से आके मिलूँ। मैं सुबह 3 बजे बिस्तर छोड़ करके तैयार होकर अपने दोस्त के रूम पे आया, फिर उससे बोला चलो मुझे चलना है वहाँ पे, फिर मुझे आते 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 यहाँ पे 7 बज गया था। अच्छा लगा शिवेंद्र, हाँ बताइए कुछ। सर आपके मन में विचार कहाँ से आया कि एक यूट्यूब चैनल खोला जाए और इस पे ये जैसा दिखाया, जैसे समाज में हो रहा है जिसको दिखाया जाए? देखिए मैं फेसबुक पर था और बड़े सघन रूप से था, टाइपिंग वगैरह मुझे बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी स्पीड हमारी हिंदी इंग्लिश की थी, अब उसी में चैनल बन गया और वीडियो डालता था, थोड़े बहुत लोग देखते थे, लेकिन चलते चलते चल निकला, अब आज तो अच्छा है 150 से अधिक देश देखते हैं, ऐसे ही हो गया। बड़ा संघर्ष किया होगा आपने अपने इस YouTube चैनल के दौरान? सब मौज में हुआ, सब आपको भी जो काम करना है मौज में करना है, तनाव में नहीं करना है, और यह सब आराम से खुशी खुशी, और सपना देखना है उसे साकार करना है। सर हमारा सवाल आपसे है, हाँ, कि आप इतना साहस लाते कहाँ से हैं अपने अंदर, जो एक बेवस लाचार और गरीब आदमी के लिए लड़ते हैं, ये साहस आता कहाँ है आपको? आपके साहस को देखकर हमारे अंदर भी एनर्जी आती है और हम लोग भी सोचते हैं कि आपके जैसे ही समाज सेवा से जुड़े रहें और जहाँ तक संभव है वहाँ तक हमने प्रयास किया है। अजीत दुस्साहस नहीं करना, जैसे आज अभी अभी 1 घंटे पहले का ही मामला है, पुलिस चारों तरफ, जहाँ हम जिस शिविर में हैं उस शिविर में आने के लिए कहीं से रास्ता नहीं, चारों तरफ से बैरिकेटिंग, चारों तरफ से बंद कर दिया गया, वह थे CRP के, ऐसे पकड़ के खड़े हैं जैसे लग रहा है कि कोई आतंकी दस्ता आ रहा हो, पुलिस वालों की यही गति। अब सब उसमें आरक्षी थे, प्रधान आरक्षी थे और 2 स्टार वाले थे, अब उनको समझाने का कोई मतलब है नहीं, तो वहाँ तो मैं नहीं लड़ूंगा, उनसे कह दूंगा 1-2 बार, उनका अधिकारी कोई था नहीं जिससे बात करूंगा, लेकिन जहाँ लड़ने लायक है उनको भी समझाया। अब वो हुक्म के सर सर बस एक चीज़ जानते हैं, देखो वहाँ बैरिकेडिंग करना है, कोई जाने ना पाए, डिप्टी SP ने कह दिया तो कहेंगे सर सर सर, एकमात्र जैसे आज के राजनीतिक दलों का कार्यकर्ता है, वही स्थिति इनकी है। कार्यकर्ता क्या है? वो बस चुपचाप आदेश का पालन करेगा,
नहीं करेगा कान पकड़ के निकाल दिया जाएगा, दूसरा तैयार है। अधिकांश दल के कार्यकर्ताओं की स्थिति संविदा कर्मचारी भी नहीं है, आउटसोर्सिंग एक आया है उसके जैसी है। तो वहाँ तो लड़ाई हम नहीं करते हैं, वहाँ हम जानेंगे कि बेचारा नहीं जानता कि क्या कर रहा है, लेकिन जहाँ लड़ने लायक है वहाँ लड़ेंगे। इसके मूल में यही है कि अंतःकरण शुद्ध है। बहुत लोग कहते हैं अरे भैया आप क्या जानेंगे, वो तो अधिकारियों को फंसाते हैं और उनका शोषण करते हैं, ऐसे करते हैं। मैं तो जानता हूँ, मेरे ऊपर न कोई राजनाथ है, न मेरे ऊपर कोई मायावती है, न मेरे ऊपर कोई सतीश मिश्रा है, न मेरे ऊपर कोई अखिलेश और शिवपाल हैं, मेरे ऊपर न कोई सोनिया है, न उनके लोग हैं। सबसे लड़ रहा हूँ, वजह क्या है? वजह एक ही है कि अंतःकरण शुद्ध है और आज तक हमने ऐसे मामलों में कभी चेहरा नहीं बिगाड़ा है। जिसको जब कहना होगा कहेगा, एक मामला किसी माई के लाल में दम नहीं है, गंगा के किनारे कह रहा हूँ, जो यह बता दे कि हमने इस काम के लिए दुबे जी को यह किया है। ऐसे ही अजीत चल रहा है। सर आपके सामने तो मान लीजिए तैयारी करने वाले लोग ही बैठे हैं, और जैसा कि तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, साथ रूम पे जाएंगे देखेंगे कैसे कैसे व्यवस्था लोग करके रहते हैं। जब कोई भी सरकार हो, जब आती है वैकेंसी के लालच देती है, फार्म भरते हैं उसमें परेशान रहते हैं हम लोग। फार्म भरने के बाद और जब ज्वाइनिंग की बात आती है, परीक्षा की बात आती है, तो कहीं मैटर कोर्ट में चला जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या गीता का, हमें तो लगता है गीता का जैसे कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचनम्, यानी कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो हमें लगता है कि अपने से कि फार्मणे भरेषु ना नौकरी चिंतनम, यानी फार्म भरते रहो नौकरी की चिंता मत करो। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब क्या देश के शासन करने वाले लोग ऐसे भ्रमित करते हैं युवाओं को? या देखिए, सरकार चाहे जिसकी भी हो, फ्रेश नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं, यह एक है कारण। अब इसके मूल में क्या है, कहीं ना कहीं कोई चूक ऐसा रखते हैं कि दिक्कत होगी। कुछ तो ऐसे भी चाहते होंगे कि यार लटकाए रहो, लटकाते जब चुनाव आएगा तो देखा जाएगा, ऐसे भी है, प्रचलन में है, ऐसा बताते हैं लोग। और फिर कोर्ट में जाएगा तो अभी जैसे 69,000 शिक्षकों का है, 68,500 है, हाँ वह है, उसमें जो महाधिवक्ता है वह महोदय 6-7 बार गए ही नहीं, कोर्ट बुलाता रह गया। हाँ मैंने भी ललकारा था वहाँ जाकर के, कितना बड़ा वेतन भत्ता ले रहे हो, कर क्या रहे हो? क्या वो जो महाधिवक्ता है वो भी तो सरकारी नौकरी के पास, वो अभी मेहनत नहीं किया, वो अभी पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है। देखिए अब करना क्या है, हमें तोड़फोड़ कदापि नहीं करनी है, हमें कानून हाथ में नहीं लेना है। यह सरकारी संपत्ति नहीं योगी के खानदान की है, और नहीं अखिलेश और मायावती के खानदान की है, यह संपत्ति हमारी है और हमारे टैक्स से यह संपत्ति का निर्माण हुआ है। पैसा हम देते हैं अपने घर से या दादा के घर से नहीं ले आते हैं। रेल का किराया बढ़ाएंगे, बस का किराया बढ़ाएंगे, लगातार टैक्स थपेंगे, GST ला देंगे, गैस का बढ़ाएंगे और ऐसे करते जाएंगे, यही पैसा बन जाता है। आप कहाँ से ले आते हैं? हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन वह सब कुछ करेंगे जिसकी इजाज़त लोकतंत्र का पवित्र ग्रंथ संविधान देता है। बहुत तरीके हैं, हम कोर्ट को भी लिखेंगे, लगातार लिखते जाएंगे, मेल करेंगे, चीफ जस्टिस को मेल करते जाएंगे। एक दिन हम 10,000 मेल करेंगे, वह अभी पब्लिक सर्वेंट हैं, वह अभी जनता के नौकर हैं, वह ऐसा नहीं है कि जो चाहेंगे कर देंगे। और हम कहेंगे फैसला जल्दी करिए। एक मामला बता रहा हूँ, अमिताभ बच्चन के खिलाफ हमने एक मुकदमा किया था, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। उन्होंने ऐसे किया और हाई कोर्ट में हमारे अधिवक्ता जो पूर्व में जज रहे हैं श्री चंद्रभूषण पांडे जी ने बहस किया। कई दिनों तक दो जजों की खंडपीठ ने उस फैसले को सुरक्षित रखा। हमसे, हमने पूछा अपने सम्मानित अधिवक्ता से, तो CB पांडे जी ने कहा ब्रजभूषण जी आप धरने पर बैठ जाइए हाई कोर्ट के सामने। हमने कहा सर ऐसा कभी हुआ है क्या, सब लठियाएंगे? उन्होंने कहा मैं किस लिए हूँ? और यह कहना कि न्याय पाना हमारा फंडामेंटल राइट है, शीघ्र फैसला करिए, तो यह कहाँ कंटेम्प्ट की श्रेणी में आएगा? तो हम ऐसे भी करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे हम लोग और वहाँ बैठेंगे, कहेंगे साहब जल्दी करिए, हमारा भविष्य है, कितने दिन लटकाएंगे हमारा मामला? तो वह कहा जा सकता है। सर आज का जो शासन तंत्र है, अगर हम शांति से अगर कहीं व्यवस्था हो के अपना एक प्रतीकात्मक जो है कि विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं किसी चीज के प्रति, तो उस पर भी दंडित किया जा रहा है? नहीं दंडित हम, देखिए अगर धारा 144 लागू है, हला बेवजह लोग कर देते हैं, हमारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, उसके साथ आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ऐसा कर रहे हैं, 144 लागू कर दिया, तो हम तीन लोग करेंगे,
हमारे यहाँ जब भी अपराधियों की पेशी होती थी तो हम लोग तीन लोग बैठते थे। अपराधी कहूँगा, मुख्तार अंसारी की होती थी, ब्रजेश सिंह की होती थी, त्रिभुवन सिंह की होती थी, तो हम लोग तीन लोग चार्ट लगा करके बैठते थे कि कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराओ या जज साहब जेल में जाओ, जेल में जाके सुन के आओ, किसने अधिकार दिया हमारा रास्ता रोकोगे। तो ऐसे था और करना है, हम अकेले चार्ट लगा करके घूमेंगे। समाप्त। चलिए आगे भी जो उमड़ता घुमड़ता रहेगा आपसे भी पूछेंगे। कल के दिन फिर एक मीटअप है 2 बजे, चंद्रशेखर आज़ाद शहीद, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जो प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। इलाहाबाद अभी नाम तो ऐसे ही दिख रहा है हर जगह, नहीं और लोग जानते हैं प्रयागराज हो गया अभी, है सरकार के पास फंड नहीं चेंज करवा पाए। अच्छा, अभी तो रेलवे स्टेशन पर इलाहाबाद ही लिखा है, ये जो टिकट मिल रहा है इलाहाबाद का ही मिल रहा है, तो प्रयागराज ही सब इलाहाबाद मिल रहा है। चलिए ठीक है, चलिए हम दोनों कहेंगे, प्रयागराज भी कहेंगे, इलाहाबाद भी कहेंगे, नहीं यूनिवर्सिटी चेंज होगी नहीं। हम हैं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से, आज अपने तमाम मित्रों के साथ विभिन्न विषयों पर वार्ता करते हुए संवाद स्थापित करते हुए, धन्यवाद, सभी को नमस्कार।